हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी, हाय जसप्रीत, मैं रवनीत जी इमिग्रेशन तो। मैम। ओके मैम। हाँ जी हाँ जी, किवें हो? वधिया वधिया, ठीक है। ओके, तो मैनू अपने प्रोफाइल दसोगे थोड़ी जी, तुसीं भी की कीता तुसीं? दसो। हाँ जी मैम, मैं 2019 दे विच बीए कीती। 70% सीगे 19 मेरे उस तो। दे विच, ठीक है। 70% स्कोर है हाँ तुहाडा, जी है ना? मैम। ता कि लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट की कीता होया तुसीं, आयल्स और पीटीए? हाँ जी मैम, आयल्स अकेडमी, आयल्स का स्कोर की है तुहाडा? आयल्स की था मैम। स्कोर की है तुहाडा आयल्स का? ओवरऑल 6 है एंड रीडिंग दे विचो 6.5 है ते राइटिंग दे विचो 6 है ते स्पीकिंग एंड लिसनिंग दे विचो 5.5 है। ओके, 6 not less than 5.5 है ना? ठीक है। 2019 तो बाद तुसी की कीता? मैम उस तो बात पूछ नहीं। हाँ ठीक है, ओके। उस तो बाद थोड़ा गया था, ठीक है। तो मैं थोनू एक जी बारी सारा प्रोसेस था ना, एक एक्सप्लेन कर देनी है। अभी कनाडा दे, कनाडा लिए अप्लाई करना ना तुसी? मैम। हाँ जी, कनाडा दे विच की है हुण, जिवें मान लो कुछ को कॉलेज हैगे है जेहड़े 5.5 ते एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना? जेहड़े जेहड़े कॉलेज 5.5 ते एप्लीकेशंस ले रहे हैं, ओहदे विच आपां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूजी ऑप्शन मैम ये है भी आपां ऑफर अप्लाई कर लीए, थोड़ा टाइम वेस्ट ना होवे, नाल नाल तुसी आपदा इंप्रूव कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा ओवरऑल 6.5 not less than 6 स्कोर होगा तो ज्यादा बेटर है, बट फ्रॉम अगस्त 2023 की होना गा, एहदे विच चेंजेस आउणगे, ठीक है। तो 5.5 एप्लीकेशन मतलब 5.5 ते आईआरसीसी ने लीगल करता भी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोबारा हेलो। तुसी नाल नाल ऑफर अप्लाई कर लो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा थोड़ा, ते नाल नाल तुसी आपका स्कोर इंप्रूव कर लो, ये बेटर ऑप्शन है। ओके मैम, हाँ जी, बाकी ठीक है प्रोसेस मैम। सारा सिंपल है, ठीक है। एसटीएस कैटेगरी दे विच फाइल जाऊगी तुहाडी, सब तो पहला आप ऑफर अप्लाई करांगे। ऑफर अप्लाई होने तो बाद थोड़ा मतलब मैक्सिमम 40 दिनों दे विच ऑफर आ जांदा है ना, मतलब महीने 1.5 महीने दे विच विच ऑफर आ जांदा है। ऑफर आने तो बाद आप फिर फीस पे करांगे, फीस पे करने तो बाद आप जीआईसी पे करांगे, देन थोड़ा मेडिकल होगा, मेडिकल तो बाद थोड़ी फाइल रेडी होगी, देन फाइल अम्बेसी दे विच लॉन्च होगी, ठीक है। प्रोसेस सारा थोड़ा एसटीएस कैटेगरी दो में रहूगा, बट मैं थोड़ा सारा एक बार दसदा भी फाइल थोड़ी अप्लाई हो जाएगी। ओके मैम, हाँ, अगर पहला मैम की मैं होंदा पीटी सीगा कर दी उसको। पीटी का भी मतलब सेम ही रहूगा, क्योंकि हुण अगस्त तो पीटी भी एसटीएस कैटेगरी दे विच हो जाएगी, ठीक है। एसटीएस का मतलब होंदा गा भी मतलब थोड़ा ईच 6 स्कोर है, ठीक है, सुन रहे हो? ओवरऑल मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी हाँ, एसटीएस का मतलब हुंदा भी ईच 6 स्कोर है, ठीक है। 1 साल दी तुसी फीस पे कीती है, 1 साल दा तुसी जीआईसी पे कीता गा, मेडिकल च कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी तुहाडे, ठीक है। फिर डीएलआई आपां कॉलेज ला रहे हैं, डीएलआई कॉलेज हुंदा डेजिग्नेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, पंजाबी च कहा जावे तां मानता प्राप्त कॉलेज जिहनूं कहिंदे आ आपां, ठीक है। तां हुण तक मतलब तुहाडी फाइल नॉन एसटीएस है, भी अगस्त तो बाद आपां सबमिट करांगे, उदों एसटीएस हो जाऊगी, क्योंकि ओके अगस्त तो मैम। बाद 5.5 वालियां फाइलां भी एसटीएस कैटेगरी दे विच ही लगणगियां। अगर आप उदो पहला पहला अप्लाई करते हैं फिर नॉन एसटीएस कैटेगरी से जाओगे, फिर अपन को फाइनेंशियल थोड़ा जा स्ट्रांग दिखाना पड़ेगा, फंड्स वगैरह शो करने पड़ेंगे। की पूछ रहे थे मैम तुसी, बोलो। ठीक है मैम। मैं प्लान कर रही इसलिए मैं पीटी करना। पीटी करनी है तुसी, नाल नाल पीटी कर हेलो। लो, ट्राई करियो, स्कोर थोड़ा 60 तो ऊपर होगा, ठीक है। हाँ जी वैसे मैम। जिवें हुण ओके तुसी आयल्स का प्रिपेयर कर ही रहे हो, मतलब ऑलरेडी तुसी कीता भी होया, तो उदी थोनू नॉलेज हैगी है, जे तुसी ओदे च इंप्रूव कर लो तो ज्यादा बेस्ट है। मैम। क्योंकि आयल्स का फिर भी है ना एक मतलब अच्छा हुआगा, पीटी दा हुण आपां नू जिन्ना टाइम आपां एक्सपीरियंस नहीं लैंदे इस चीज दा, आपां नू पता नहीं लगना, है ना। हुण कल नू तुसी स्कोर इंप्रूव कर लो, आपां अगस्त तो बाद फाइल ला दीए, बट हाँ आपां नू नहीं पता उहनां ने रिजल्ट किवें दा देना किवें दा नहीं, बट आयल्स ते वधिया आ रहे हैं, सो तां करके मैं थोनू गाइड कर रही हूं कि तुसी आयल्स कर लो तो ज्यादा बेटर। ओके मैम। हां जी, ठीक और कुछ पूछना होगे? मैं बस यही इंक्वायरी सी रही। मैं न्यूज़ देखी सी ना, वो कह रहे थे ओवरऑल चाहिए इसलिए मैं ये पूछना सीगा। नहीं, अप्लाई हो चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तुसी ऑफर अप्लाई कर सकते हो सेम स्कोर ते, कोई दिक्कत नहीं गी। थोड़ा टाइम मतलब बच जूगा, क्योंकि हुण कल नू तुसी कहो भी मैं इंप्रूव करूंगी फिर ऑफर लेटर अप्लाई करूंगी, है ना, तो टाइम वेस्ट होगा थोड़ा। हुण नाल नाल तुसी पैरेलल दोनों चीजां कर लो, पीटी करनी है तुसी पीटी स्टार्ट कर दो, आयल्स करनी है तुसी आयल्स स्टार्ट कर दो, नाल नाल आपदा ऑफर अप्लाई कर लो,
उन्ने टाइम से तुसी दूसरा एग्जाम दे दोगे, उन्ने टाइम से तो ड्रॉप करा दी। ओके मैम, ठीक ठीक है, है कोई प्रेफरेंस है क्या, तुझे कैडी साइड जाना चाहते मैम। ब्रैम्पटन हो? ब्रैम्पटन ही क्यों जाना? मैम, उत्थे मेरी सिस्टर आ रही है। रियल सिस्टर ने? ठीक है, बट तुसी सुने होगा ब्रैम्पटन च रश ज्यादा दा करके थोड़ा जा काम वगैरह दी दिक्कत आई जाती है। जे तुसी किसी होर प्रोविंस दा कर लो तो उधर थोनू पीआर भी इजी है, नाले काम वगैरह दी कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। हाँ जी मैम, वो तब देख लांगे बाद से जरूर। हाँ ठीक है, तुसी एक बारी कोई गल नहीं, आपदा माइंड सेटअप करो, अगर तुसी आपदा माइंड बना लो, ठीक है, जे तुसी इस स्कोर ते ऑफर अप्लाई करना गा ऑफर अप्लाई कर दो, नाल नाल तुसी आपदा मतलब इंप्रूवमेंट लिए तैयारी कर दो ना। बाकी जिवें नॉर्मल हुंदा भी कंट्री साइड एरियाज आ हाँ जाते जी हैं मैम, जेड़े ठीक। थोड़ा साइड ते है ना, उन्हों दा वीजा सक्सेस रेट ज्यादा गा एज कंपेयर टू ओंटारियो प्रोविंस। ओंटारियो प्रोविंस दा वीजा थोड़ा जगह घट आ रहा थैंक यू मैम, बस इन्हें पूछना सी। है। ठीक है, बाकी तुसी कुछ भी इस तो बिना कुछ होर कंसल्ट करना है ना, सर दा नंबर तुहाडे कोल हैगा ही है, तुसी कॉल कर लियो। ओके मैम, ठीक। थोड़ा नेम प्लीज मैम रवनीत रिपीट कौर, रवनीत नाम। करना। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच।